हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको पुरानी चुंगी मीरपुर आज़ाद कश्मीर के एक नए होटल का विज़िट करवाना चाहता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा खूबसूरत बनाया हुआ है होटल। और इसका नाम है न्यू क्वेटा दुबई कैफ़े। ये बोर्ड जो लगा हुआ है, जो नज़र आ रहा है, बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ होटल। यहाँ पे इस शहर में तकरीबन मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 2-3 होटल हैं। ये नया नया खुला हुआ है, पुरानी चुंगी पे हाल रोड पे हैं। ये यहाँ के खाने भी माशाल्लाह बड़े मियारी होते हैं। यहाँ का पराठा और चाय भी बड़ी मियार की होती है, माशाल्लाह बहुत जायकेदार। इनका अपना ही एक जायका होता है। तकरीबन मीरपुर में ये कामयाब है, ये होटल्स ज़्यादातर 2-3 जगहों पे है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश लगा रहता है यहाँ पे। और ये सामने चिकन लटकाया हुआ है इन्होंने, चरगे वगैरह, माशाल्लाह बड़ा मज़ेदार। और यहाँ पे खाना बहुत सस्ता मिलता है और मियारी मिलता है माशाल्लाह। ये आपको मैं, ये उस्ताद नज़र आ रहे सामने, इनसे मिलाता हूँ, शाह साहब। माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। बाहर इन्होंने लगाया हुआ है, ये देखिए चावल वगैरह है, बिरयानी है और काबली पुलाव है मेरे ख्याल में। और भी मज़ीद खाने हैं इन देगचों में, जो भी खाना चाहे कोई। ये शाह साहब हैं माशाल्लाह। उस्ताद हैं यहाँ के। ये बाकी उस्ताद चपातियाँ वगैरह तंदूर पे जो काम करते उस्ताद, ये सामने नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी रोटियां होती हैं यहाँ पे। साथ में पीछे जितने भी खाने हैं, ये स्टिकर लगे हुए हैं, जो भी आप खाना चाहें, जो भी आप मंगवाना चाहें, आपको ऑर्डर पे मिल सकता है। ये देखिए रोटियां लगा रहे हैं उस्ताद माशाल्लाह। और ये साथ में पराठा है, यहाँ इनका मशहूर जो है ना पराठा है, बड़ा मज़ेदार होता है। चाहे नमकीन चाय के साथ खाओ या मीठी चाय के साथ, लेप्टन के साथ, बहुत मज़े का। ये दूसरे उस्ताद है जो पराठा वगैरह बनाते हैं। और ये देखिए दो बंदे रोटियां बना रहे हैं और एक बंदा कंटिन्यू पराठा बना रहा है। और पराठा बड़ा जायकेदार, मैं कई दफ़ा खा चुका हूँ, बहुत मज़े का होता है। माशाअल्लाह इनका पराठे बनाने का अंदाज ही अपना है। ये देखिए कीमा, चिकन बोटी है, चिकन टिक्का है, भुना हुआ गोश्त मिलता है यहाँ से, नमकीन गोश्त हैं, नमकीन रोस्ट हैं, और चिकन वाइट कढ़ाई भी मिलती है यहाँ से, मिक्स सब्ज़ी भी है, मुख्तलिफ़ खाने जो भी बनते हैं यहाँ पे। सामने ये स्टिकर लगे हुए हैं, जो भी ऑर्डर दे कोई वो यहाँ तैयार मिलता है। ये कस्टमर्स बाहर भी बैठे हुए लॉन में। ये देखिए चेज़ पराठा है, लच्छा पराठा है, चिकन कढ़ाई है, चिकन वाइट कढ़ाई है, और टिक्का बीफ है, मलाई बोटी है। तकरीबन हर आइटम है इनके पास माशाल्लाह। है ये क्वेटा बलूचिस्तान के लोग माशाल्लाह। चाय भी इनकी बड़े मज़े की बनती है।
अब मैं अंदर का विज़िट करवाऊंगा जहाँ पे चाय बनाते हैं ये लोग, और अंदर भी कुर्सियाँ लगी हुई हैं। ये सामने चाय वाला उस्ताद है माशाल्लाह, कि ये ऑनर भी है यहाँ के। ये देखिए इनके चाय बनाने का अंदाज़, एक तरफ दूध गर्म होता है दूसरी तरफ चाय बनाते हैं, और चाय बड़ी मज़ेदार होती है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। मैं कई दफ़ा चाय अक्सर चाय पीता रहता हूँ मैं यहाँ पे आके, बड़े मज़े की चाय बनाते हैं। आपसे तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब और वाच कीजिएगा और लाइक, और दिल करे तो इसको शेयर भी कीजिएगा, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं अच्छी अच्छी जगह और चीज़ें आपको बताता रहूँगा, आपके ताउन की ज़रूरत है। माशाल्लाह ये देखिए कितना खूबसूरत हाल है, बहुत ही अच्छा हाल है माशाल्लाह। ये देखिए जी चाय, इनके चाय वाले बर्तन जो है ना मुनफरिद है, बिल्कुल हर होटल से मुनफरिद, अलग थलग अंदाज़ इनके चाय बनाने का, बहुत अंदाज़ अच्छा है, आला है माशाल्लाह। थैंक यू। और ये सामने लिखा हुआ है, तेरे बिना मेरे दिल में है सन्नाटा, तो ए मेरी चाय तो ए मे मेरा पराठा, पता नहीं इस तरह कुछ लिखा हुआ है। क्लियर यहाँ पे लाइट लग रही है, इसे पढ़ा नहीं जा रहा है। और ये फ्रिज है इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा, और यहाँ पे इन्नल्लाह यरज़ुक मन यशा लिखा हुआ है माशाल्लाह। बड़ी अच्छी सीनरी डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने अंदर से, बड़ा खूबसूरत सीन नज़र आ रहा है। ये कुछ दोस्त बैठे हुए हैं माशाल्लाह और खाना खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, पराठा और चाय माशाल्लाह, मज़े ले लेके। और वैसे भी यहाँ की चीज़ बड़े मज़े की होती है, बहुत आला मियार है इनका माशाल्लाह। ये चाय और पराठा है, आप में से भी कोई करीब हूँ, ये मेरे दो दोस्त हैं इंजीनियर अमार भाई और एसनत भाई, मेरे दोस्त हैं जमीयत के हैं सबके। ये यहाँ पे बैठे हुए थे और मैं भी यहाँ पे बैठ के चाय पीने पीने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।